हेलो दोस्तों, हैशटैग में आपका स्वागत है। मैं आदित्य सिसोदिया, और ये कोऑर्डिनेटर कॉन्फ़िगरेशन एंड इंस्टॉलेशन का Part-02 है जो आप देख रहे हैं। आज हम फर्स्ट तो कर चुके हैं, सेकंड गिट की हेल्प से हम कोऑर्डिनेटर को इंस्टॉल करेंगे HT डॉक्स के अंदर, यानी लोकल होस्ट पर। तो गूगल में जाकर टाइप कीजिए कोऑर्डिनेटर 3.3। ये कुछ लिंक्स हैं जो डिस्प्ले हो रहे हैं, उनमें से एक लिंक हम ले लेते हैं, क्लिक कर देते हैं। और इस तरह से ये हमने क्लिक किया और ये पेज डिस्प्ले हो गया। यहाँ अगर आप देखें तो कोऑर्डिनेटर के सारे फोल्डर्स, फाइल सब शो हो रहे हैं। तो आप स्क्रॉल डाउन कीजिए और इस ग्रीन बटन पर आप ये डाउनलोड जिप लिखा है, हम पहले वीडियो में कर चुके हैं, सेकंड में हम गिट से करें, तो ये यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं और अपने एचटी डॉक फोल्डर में इसको हमें जैम में गए, एचटी डॉक्स में गए और यहाँ राइट क्लिक करेंगे, अंदर राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद गिट क्लोन ये ऑप्शन देख रहे हैं आप, यहाँ क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये फर्स्ट वाला यूआरएल जो अभी आपने कॉपी किया था उस पेज का, ये यूआरएल ये हमारे लोकल कंप्यूटर का ये जो नाम है कोऑर्डिनेटर, ये उस फोल्डर का नाम है जो अब बनेगा, हम जिसको बनाएंगे। तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। ये डायलॉग वो खुल गया, इसको बंद कर देते हैं, कोई नहीं, ये क्लोज कर देंगे और ये इंस्टॉलेशन चल रही है। दोस्तों, जब आप गिट से काम करते हैं तो गिट पहले से ही इंस्टॉल होना चाहिए आपके सिस्टम में, और मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ। और राइट क्लिक करने पर मुझे ऑप्शन शो कर रहा था गिट क्लोन, आपके में नहीं करेगा जब तक आप इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे अपने सिस्टम में। गिट हुआ या कंपोजर हुआ, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट में, तो आप इसको ठीक से समझ लीजिए। दूसरे आपने देखा यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ रहते हैं, वहाँ देखिए और वहाँ समझिएगा, समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं, मैं भी वीडियोस बनाऊंगा आगे। तो देखिए, इस तरह से ये जो फाइल्स हैं जहाँ से आपने लिंक कॉपी किया था, वहाँ से सारी ट्रांसफर हो रही है आपके लोकल कंप्यूटर पर। तो गिट के बारे में या कंपोजर के बारे में मैं काफ़ी वीडियोस बनाऊंगा, और अभी हम थोड़ा सा ही इसमें देखेंगे इस वीडियो में। ये सक्सेस हो गया और ये कोऑर्डिनेटर नाम का फोल्डर बन चुका है, आप यहाँ किसी भी नाम से बना सकते थे। अब जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये देखिए एप्लीकेशन फोल्डर है और ये हम अब देखते हैं, लोकल होस्ट पर जाते हैं और यहाँ लोकल होस्ट टाइप कर लेते हैं और एंटर, देखते हैं पेज लोड होगा या नहीं होगा। जो डिफ़ॉल्ट पेज है, अनेबल टू कनेक्ट, जी नो, देखते हैं सर्वर, यस सर्वर स्टार्ट नहीं किया था अभी हमने, अब स्टार्ट कर लेते हैं और ये ग्रीन कलर का आएगा तो समझ लीजिए सर्वर स्टार्ट हो गया। और ये मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ और ये डिफ़ॉल्ट पेज यहाँ लोड हो चुका है कोऑर्डिनेटर का। दोस्तों, जब आप कोऑर्डिनेटर इंस्टॉल करते हैं तो उसमें पहले से ही जो है डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर सेट होता है वेलकम नाम का, ये देखिए, ये कॉन्फ़िगरेशन में राउट्स डॉट पी एच पी, यहाँ पर ये कंट्रोलर सेट है वेलकम नाम का, तो ये डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर और ये वेलकम, डिफॉल्ट कंट्रोलर वेलकम, यहाँ रिक्वेस्ट जा रही है। और देख लेते हैं, कंट्रोलर फोल्डर में जाएंगे तो ये वेलकम कंट्रोलर आपको मिल जाएगा। यहाँ ओपन करके देखते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन यानी इंडेक्स नाम का फंक्शन यानी मेथड, यहाँ मेथड बोलेंगे इसको, यहाँ बना होगा। आइए देखते हैं, एको करा लेते हैं, अगर ये एको ठीक से कोई टेक्स्ट डिस्प्ले अगर होता है वहाँ पर, तो ये यस हमारा कंट्रोलर ठीक काम कर रहा है, यानी रिक्वेस्ट ठीक से आ रही है वेलकम कंट्रोलर में। अब इससे नीचे वाली लाइन देखिए, डॉलर दिस लोड व्यू, यानी कि हम वेलकम मैसेज नाम का व्यू लोड करा रहे हैं, या ये डिफॉल्ट है जो कोऑर्डिनेटर से मैं पहले ही ये लोड होने के लिए बोला है। तो व्यूज़ कहाँ मिलेंगे, व्यूज़ फोल्डर में मिलेंगे। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ टेक्स्ट को,
और ये देखते हैं व्यू कहाँ पर है जो ये लोड हो रहा है। तो व्यू फोल्डर्स होगा, उसके अंदर ये देख सकते हैं मैसेज वेलकम मैसेज, ये व्यू लोड हो रहा है। इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ भी देखते हैं क्या क्या लिखा है, यहाँ भी कुछ चेंजेस करके देख लेते हैं। ये फिलहाल हमने फिर से इसको इससे मत घबराइए, कुछ नहीं है, ये इसको हम डिलीट कर सकते हैं या अपना नया पेज बनाकर हम उसको लोड करा सकते हैं। तो यहाँ मैं कुछ टाइप करके देख लेता हूँ कि पेज ठीक से काम कर रहा है या नहीं, या कोई और पेज तो नहीं है जो लोड हो रहा है। ये डिफ़ॉल्ट पेज है, जब भी आप कोडनाइटर को इंस्टॉल करेंगे यही शो होगा, यही लोड होगा। तो ये देखिए, ये मैंने रिफ्रेश किया और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ थोड़ा। ओ ये तो अनेबल टू कनेक्ट हो गया, इसको फिर से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। ये रिफ्रेश, फिर से भी लोड हो गया। तो बस यही आज के वीडियो में इतना ही था, हमें गिट से किस तरह से हमने कोऑर्डिनेटर को इंस्टॉल कराया एसटीडॉग फोल्डर में। तो दोस्तों आप वैम्प यूज कर रहे हैं तो उसमें WWW नाम का एक डायरेक्टरी होता है, उसमें भी प्रोजेक्ट रख सकते हैं। मैं आज वैम्प कर रहा हूँ तो एसटीडॉग में रखूंगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।